वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी फान। आई होप सो यू ऑल फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीसरे सीजन का खुदा और मोहब्बत के तीसरे सीजन का तीसरा एपिसोड भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग तीसरे एपिसोड की बात करते हैं कि हम लोगों ने आया इसमें क्या देखा। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ से ड्रामा जो है वो इंटरेस्टिंग सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब जो लव स्टोरी है वो चार लोगों में घूम रही है। जस्ट फरहाद में, फरहाद की जो हमसाई थी उसमें, और इकराजी साहिबा में, और तैमूर में। जो तैमूर है वो एक रईस ज़्यादा है, वो भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जी इकराजी साहिबा जो है वो अपने मतलब के लिए फरहाद को यूज़ करती है और उसको लेके जाती है बर्थडे सेलिब्रेशन में, और फरहाद उसकी हेल्प भी करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे लाइक करना स्टार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ से अब उसे फील हो रहा है कि मुझे इससे प्यार हो गया और इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, फलां 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 सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ से ही ड्रामा बेसिकली स्टार्ट हुआ है अब देखा जाए तो, क्योंकि फरहाद को वो यूज़ करती है अपने बर्थडे के लेके जाने के लिए। बर्थडे से उसे वो लेके भी जाता है, टाइम पे उसे वापस भी लेके आता है, सब कुछ ठीक होता है ड्रामे का। लेकिन अब वो ये फरहाद सोच रहा था कि मैं इसको प्रपोज करूँगा, इससे बात करूँगा, इसे अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगा, और वो इसी तरह ही करता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब वो फरहाद उसे वापस लेके आ रहा होता है उनको फ्रेंड की बर्थडे, उसकी बंगेतर की बर्थडे से, तो इकरा जो फरहाद की हमसाई होती है वो रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और वो देखती है, क्योंकि फरहाद की जो हमसाई है वो उसको प्यार करती है। और वो अपने उसके बहन भाइयों से फरहाद के कह भी रही होती है कि इसको नौकरी से छुड़वा दिया जाए क्योंकि ये मुझे ठीक रातों में नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नौकरी से उसको छुड़वा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो उसकी गाड़ी के सामने आती है तो वो उसको देख रही होती है, उसको काफ़ी देर देखती रहती है, देखती रहती है। लेकिन वो जो मोहब्बत की आँख होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है कि वो आगे तो बैठी नहीं होती इकराजी साहिबा या उसकी कोई फ्रेंड, वो दोनों पीछे बैठी होती हैं। वो एज अ ड्राइवर उनको लेके जाता है, एज अ ड्राइवर उनको लेके आता है। और वो जो मोहब्बत की आँख होती है, उसने देखा कि ये मतलब कुछ ऐसा वैसा ही नहीं, सिंपल सी कोई स्टोरी नहीं है ये, बहुत ज़्यादा ये कुछ इसमें मतलब कि दाल में जिसको कुछ काला कहा जा सकता है ये वो है। और वो जी उसको वहाँ पे फील भी होता है, वो फिर इस तरह घर आ जाता है, उसको घर छोड़ता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जी ये जो ड्रामा है वो चार लोगों में घूम रहा है। जो फरहाद की हमसाई है वो फरहाद के पीछे है, और जो फरहाद है वो इकराजी साहिबा के पीछे हैं, और जो इकराजी साहिबा वो किसी के पीछे नहीं है। इकराजी साहिबा के जो पीछे हैं वो तैमूर भी हैं, जो इकराजी ज़्यादा हैं वो भी उनके पीछे हैं। अब ये चार लोग हैं जो मेन करेक्टर यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब ये देखना है कि जो इकराजी साहिबा वो किसको मिलती हैं। मेरे ख्याल से वो तैमूर के पास जाएंगे, उससे शादी हो जाएगी उससे, और बाद में देखते हैं कि वो इस तरह वो इंटरेस्टिंग था, पर फिर उससे उसकी शादी नहीं हो गई इसीलिए वो दरबार वगैरह पे जाके बैठना स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं ड्रामे को, देख के पता चलेगा। मैं जितना कुछ मर्जी बताती हूँ वो तो नहीं सही ना, लेकिन ड्रामे को देखते हैं, लेकिन इसी तरह ही होगा। तो अब देखते हैं क्या बनता है, आप लोग मुझे बताएं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर अब जी हम लोगों ने फिरोज़ को देखा कि उसकी जो स्माइली फेस है वो बिल्कुल अपस्पॉट हो जाएगा, उसका कोई वो स्माइल नहीं होगी अब, क्योंकि ऐसा स्टोरी जो स्टार्ट होनी है हम लोगों ने मतलब देखा है ट्रेलर वगैरह में कि वो बिल्कुल दरबारों में बैठा है, रोना धोना इस ड्रामे में लगा हुआ है। असल टेंशन जो होती है वो स्टार्ट होगी अब इस ड्रामे में। और जो है अब स्माइल इकराजी साहिबा के तो स्माइल रहेगी कुछ दिन, क्योंकि वो शादी के बाद आके जब उससे भी फील होगा कि हाँ मुझे भी फिरोज से प्यार हो गया, फिर उसके फेस से भी स्माइल चले जाएगी। और फरहाद के फेस से स्माइल तो बिल्कुल चले जाएगी हम जब देखेंगे फोर्थ एपिसोड उसका। और जो फरहाद की हमसाई है उसके फेस से भी स्माइल चल जाएगी, उसको भी अब मतलब अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होता है। लेकिन यहाँ से अब सीरियस स्टोरी जो है ना खुदा मोहब्बत की वो स्टार्ट हो गई है। अब देखना सिर्फ ये है कि इकराजी साहिबा जो मेन कैरेक्टर है वो किसके पास आता है। मेरे ख्याल से वो फरहाद से जो रही ज़्यादा है वो जो उसको प्यार करता है उससे इनकी शादी होगी। आप भी मुझे बताएं कि किससे होगी, क्या होगा इस एपिसोड में, नेक्स्ट फोर्थ एपिसोड में, इस सीज़न में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़्यादा देखते हैं, इससे हमें स्टोरी का आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, उससे नेक्स्ट में क्या होगा, उसको नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आइडिया हो जाता है, जाहिर बात है। लेकिन हम लोग होता है, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आप लोग इसको लाइक नहीं कर रहे हो, इसको व्यू मतलब कि मुझे आ रहे हैं इसके व्यूज़, और सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन इसे शेयर भी करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।